एक दूजे के वास्ते। फिर बाद में समझ आया कि ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। Wrong answer। आप यहाँ इसलिए आए थे कि हम दोनों खूब खेलें, भोपाल घूमे बाइक पर, मजे करें, पर आप तो ये चेस लेके बैठ गए हो। अरे वो भी करेंगे। वैसे एक मजे की बात बताऊं तुझे? क्या? तेरे जो दद्दू थे ना, वो चेस चैंपियन थे। बहुत बार हराया मुझे उन्होंने चेस में भाई। और अगर तू जल्दी से चेस सीख के अच्छा खेलना सीखेगा ना, जितना अच्छा खेलेगा तेरे दद्दू उतने खुश होंगे, समझा? और हाँ, अगर तूने मुझे हरा दिया ना, तो मैं भी बहुत खुश होऊंगा। और जिस दिन तू मुझे हराएगा ना, उस दिन मैं तुझे कोई एक ऐसी चीज दूंगा जो भी तू मांगे। पक्का? अरे पक्के वाला पक्का, जो तू चाहे। सिखाओ। चल आ जा। अब ये देख, इसे कहते हैं हिंदी में प्यादा। अब ये दो कदम भी चल सकता है और एक कदम भी चल सकता है। ठीक है, चल। माना कि कहा श्रवण ने विक्रम से कि तुझसे आके बात करे, पर हिम्मत तो विक्रम ने दिखाई ना। दूसरों को सजेशन देना ना बहुत इजी होता है बहन। तो सुन भी रिया मेरी बात, क्या सोच रही है? देख, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी गलती मानना और उसके लिए आकर माफी मांगना ना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए मेरी बुक में क्रेडिट श्रवण को नहीं विक्रम को जाता है। जानती हूँ कंचा, बस सोच रही थी कि दूसरों के दर्द को समझना, महसूस करना, वो सेंसिटिविटी तो श्रवण ने भी दिखाई ना। आई थिंक अब इस रिलेशनशिप को। कौन सा रिलेशनशिप? कितने रिलेशनशिप्स हैं तेरी बहन? आई मीन अगर हो भी दोनों जजमेंट्स, पर मैं तेरे और विक्रम के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। हाँ ऑब्वियसली, और कौन? देख, तू ना जल्दी सोचना शुरू कर दे इसके बारे में बहन, क्योंकि विक्रम बिल्कुल सही लड़का है तेरे लिए। तू समझ रही है ना? हाँ। और श्रवण, वो कहाँ होगा इस वक्त? पता नहीं क्या कर रहा होगा। हेलो हेलो श्रवण, श्रवण मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अगर बात नहीं करनी है तो बार बार फोन करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब ये किसको मुझसे मिलने की? बार बार कॉल क्यों कर रहे हो तुम मुझे? मैंने कब फोन किया? बार बार कॉल करते हो और फिर जब मैं उठाती हूँ तो वही तुम्हारा मुंह पे टेप चिपका लेते। एक सेकंड, जो तूफान मेल की तरह गड़गड़ाते हो, तुम मेरे रूम में आ गई, हाथ में फोन दिख रहा कहीं? नहीं, फोन तो नहीं दिख रहा है, पर ये देखो तुम ही कॉल कर रहे हो। फोन तो मेरा ही है। क्या है ये सब? और फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन बैग के नीचे था, और टच स्क्रीन फोन है ना, तो गलती से लग जाता है। तुम तो ऐसे After all, वो मेरे पेशेंट है, तो उनका केस तो मुझे ही पता है ना। हाँ, पर अभी गुजराल सर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख ही रहे होंगे, उसमें तो टाइम लगता ही है। आप गए तो इतनी देर आपका टाइम वेस्ट होगा डॉक्टर। और वैसे भी आधे पौन घंटे में कैप्टन श्रवण फ्री हो जाएंगे, उसके बाद जब आप उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ सवाल हो तो तब पूछ लेना। I can see. Progress reports are looking very good. अब आप जल्दी ही ठीक होकर अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर लेंगे। Yes sir. सर मैं क्या सोच रहा था कि अगर एक बार मेरी रिपोर्ट डॉक्टर सुमन तिवारी को दिखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स देखकर वो भी वही कहेंगे जो मैंने कहा है। It's looking very good. कैप्टन श्रवण का केस शुरू से मैंने हैंडल किया है, तो अगर कर्नल गुजराल के पास कोई क्वेश्चन हुए प्रोग्रेस पे, तो उनका जवाब तो मैं ही दे पाऊंगी ना। So I think I'll go check up on them. Okay ma'am. वो एक्चुअली क्या है ना सर, कि
डॉक्टर सुमन ने मेरे केस पे बहुत मेहनत की है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी रिपोर्ट एक बार देख ले ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए। डॉक्टर सुमन इज अ वेरी गुड डॉक्टर। एक टाइम वो था जब तुम अपना डॉक्टर चेंज करने के लिए कह रहे थे। दिखा दो उन्हें अपनी रिपोर्ट्स, अब वो तुम्हारी डॉक्टर हैं। यस सर। पता सुमन, अब तो फोन पे ही तुम्हारी आवाज से समझ में आया था कि उधर क्या मामला है। किसी जरूरी बात के बारे में सोच रही हो ना? तभी इतनी जल्दी हाँ विक्रम आया? नहीं तो। अच्छा सुनो, वो बस पूछना था कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस काम में थोड़ी बिजी थी। तो कोई बात नहीं, तुम फुर्सत से अपना काम खत्म करो और मिलने का प्लान बनाओ, मिलते हैं। ठीक है, घर पहुंच के तुम्हें कॉल करती हूँ। हे, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी तो नहीं हो ना? नहीं तो तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? यार, I'm just stuck, you know. एक तो शादी के इतने सारे preparations बाकी हैं and I'm just bored now. Listen ना, तुम please मेरे साथ शॉपिंग चलो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बाय। बाय। ये कर क्या रहा हूँ यार मैं? इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इस रास्ते पर इतना दर्द और बेइज्जती मिली है मुझे, और दोबारा भी वही मिलेगा। पर इस बार मुझमें सहने की हिम्मत नहीं है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? किस तरफ जाना चाहिए मुझे और कदम अपने आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों एक बार फिर अपने गुजरे हुए कल की तरफ भाग? नहीं, उस तरफ नहीं। उसका अंजाम पता है, सहा है। फाइनली मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब श्रवण के लिए फिर कोई भी ऐसी फीलिंग मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। जगह बदल गई, यूनिफॉर्म बदल गई, पर कहानी अब भी वही चल रही है जिसका अंत मुझे पहले से पता है। पूरी कहानी बदलनी पड़ेगी। अब सुमन तिवारी के बारे में ऐसी कोई भी फीलिंग मन में नहीं आने दे सकता। सिर्फ मेरे मन में ही नहीं, श्रवण के मन में भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं बननी चाहिए। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।